सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीज इन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टीन टाइटन्स गो टू द मूवीज के बारे में। दोस्तों, ये अमेजिंग फिल्म निकल के आई थी उस टाइम पे, 2018 की ये बात है, जहाँ पर जुलाई के महीने में ये हमें देखने को मिल गई थी, जिसका बजट लगभग 10 मिलियन के आसपास था, लेकिन इसने 53 मिलियन के आसपास कमाई की थी, यानी 5% ज़्यादा कमाई की थी। इसी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी कही जाती है, जो कि टीन टाइटन्स की दुनिया में ये फर्स्ट फिल्म उन्होंने अनाउंस की थी टीवी सीरीज यानी कार्टून के बाद, जो कि एक अमेजिंग बात है। दोस्तों, इसमें हमें बहुत सारे ईस्टर एग भरे पड़े हैं डीसी मूवीज़ को लेके, मार्वल मूवीज़ को लेके, साथ ही साथ हमें स्टैनली जी का एक अच्छा सा कैमियो भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए आइए मिलके करते हैं टीन टाइटन्स गो टू द मूवीज़ का पूरा मूवी एक्सप्लेन। तो लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत होती है दोस्तों जंप सिटी से, जहां पर बलून मैन बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हुए नजर आ रहा है। इसी के बीच पुलिस दल उसको रोकने के लिए लग चुका है, लेकिन उनसे भी वो रोक नहीं पा रहा है, और तभी आ जाती है टीन टाइटन्स की टीम। बलून मैन इन लोगों को इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि मैं जस्टिस लीग को जानता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं जानता। फिर बाद में वो ये भी कहता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम को भी मैं जानता हूँ, क्या वो तुम हो? तो वो कहता है कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो एक डिफरेंट यूनिवर्स है। तब भी वो उन लोगों को समझ नहीं पाता, बलून मैन, कि भाई आखिरकार ये टीम है तो है कौन। तभी साइबॉग गाना प्ले करता है, एक रैप सॉन्ग के हिसाब से वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं ये टीन टाइटन्स के मेंबर्स। और अब ये लोग गाना गा रहे हैं, रैप कर रहे हैं, तो ये भूल जाते हैं कि बलून मैन को हराना भी है इनको। तभी आ जाते हैं वहाँ पर सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न और वंडर वुमन, जो उसको मार गिराते हैं, यानी उसको छोटा कर देते हैं। और फिर जो ये जस्टिस लीग के मेंबर है, सुपरमैन, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न, ये बोलते हैं कि तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे टीन टाइटन्स, तुम कभी बड़े नहीं होने वाले, और बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए भी हमें नज़र आते हैं। तभी वो लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हें एक्चुअल में कोई भी सीरियसली नहीं लेगा और तुम्हें कोई भी सुपर हीरो नहीं मानेगा, तुम साइड किक की तरह ही रहोगे। तभी वो लोग ये भी बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर कभी मूवी बनी नहीं है, जैसे सुपरमैन के ऊपर बनी है, वंडर वुमन के ऊपर भी बन चुकी है, बैटमैन के ऊपर भी बन चुकी है। और ग्रीन लैंटर्न कहता है कि हाँ, वो अलग बात है कि गलत बन गई थी, लेकिन बन गई थी। और तभी वो तीनों सुपर हीरोज कहते हैं कि चलो चलो, हमें जाना है बैटमैन की प्रीमियर के लिए, जो कि बैटमैन की अगली मूवी आ रही है। तो हम देखते हैं कि बैटमैन की एक नई मूवी आ रही है, जिसका नाम है बैटमैन अगेन। उसका एक बहुत बड़ा प्रीमियर रखा गया है, जहाँ पर सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं डीसी के। और तब टीन टाइटन्स के मेंबर को लगता है कि हमें भी बुलाया होगा, तो ये भी टीन टाइटन्स के मेंबर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जाने के बाद उनका नाम ही लिस्ट में नहीं रहता है, तो उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। फिर रेवन अपने पावर की मदद से एक पोर्टल खोलती है और सीधा थिएटर्स के अंदर लेके जाती है, और जो चार्ली अननोन का ग्रुप है उनको पोर्टल में अटका देती है, और उनकी जगह पे ये टीन टाइटन्स के मेंबर बैठ जाते हैं। अब मूवी चालू होने से पहले ग्लिम्स आते हैं कि भाई नेक्स्ट समर ये मूवी आ रही है, अगले नेक्स्ट समर ये मूवी आ रही है, ऐसा चलते रहता है, एक के बाद एक वो लोग टीज करते रहते हैं। और अगली फिल्म देख के, यानी उसका टीजर देख के, रॉबिन को लगता है कि ये मेरी ही फिल्म होने वाली है, तो वो जाता है स्टेज पे, खड़ा हो जाता है और अनाउंसमेंट करने लगता है कि भाई ये फिल्म मेरी है, लेकिन वो उसकी फिल्म ना होके किसी और की ही फिल्म निकल आती है। इसी के कारण से जहाँ पर ऑडियंस में बैठे हुए जितने भी लोग हैं थिएटर के अंदर, जितने भी सुपर हीरोज हैं, विलन्स हैं, वो सब लोग रॉबिन के ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इस वजह से रॉबिन को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है, तो फिर वो वहाँ से चले जाता है। और तभी ये टीम बाहर आ जाती है, जहाँ पर टीम के सारे मेंबर्स रॉबिन को समझाने में लगे हैं कि आज नहीं तो कल ये लोग हमें सीरियसली भी लेंगे और हमारे ऊपर फिल्म भी बनेगी। तब रॉबिन ये कहता है कि नहीं, मेरे ऊपर फिल्म तो बना के ही रहेंगे हम लोग। तभी वो बात करता है कि हमारे पास कोई विलन नहीं है, तो हमारे पास भी एक विलन होना चाहिए। तभी बजता है एक अलार्म, जिसमें लिखा होता है कि स्टार लैब्स के ऊपर हमला हुआ है। तो ये टीन टाइटन्स के मेंबर पहुंच जाते हैं स्टार लैब्स में, जहां पर स्लेड विल्सन यानी कि डेड स्ट्रोक वहां पर एक क्रिस्टल चुराने आया हुआ है। अब टीन टाइटन्स के मेंबर डेड स्ट्रोक से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ते लड़ते ही वो माइंड मैनिपुलेशन करने में अच्छा है डेड स्ट्रोक, तो इन लोगों का वो माइंड मैनिपुलेट कर देता है और वहाँ से वो भाग जाता है। जहाँ से भागने से पहले वो उन लोगों को भला बुरा भी कह देता है, जिससे रॉबिन हमारा और उदास हो जाता है। और फिर अगली सुबह रॉबिन उठता है उसी उदास मूड में, तब उसके दोस्त एक फिल्म बना के उसे दिखाने लगते हैं, जहाँ पर वो रॉबिन की ही फिल्म होती है, लेकिन रॉबिन को वो फिल्म देख के ऐसा लगता है कि ये सारी फिल्म मेरा मजाक उड़ाने के लिए ही बनाई गई है। वो पूरी फिल्म नहीं देखता, वहाँ पर वो स्किप कर देता है। और तभी ये टीम डिसाइड भी कर लेती है कि भाई हम हॉलीवुड जाएंगे और अपने लिए एक फिल्म बनाएंगे। फिर ये लोग अभी पहुँच जाते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर से उनको एंट्री नहीं दी जाती हॉलीवुड स्टूडियो के अंदर,
तो ये पोर्टल की मदद से अंदर जाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट टाइम उन्हें देखने को मिलता है स्टैनली, जो कि कैमरा के सामने आके अपना एक इंट्रो देता है, एक छोटा सा कैमियो देता है। तभी पीछे से साउंड आती है कि ये डिफरेंट यूनिवर्स है, ये डीसी की मूवी है, जहाँ पर स्टैनली कैमियोज नहीं देता है। और यहाँ पर अंदर आने के बाद एनिमेनियक्स का भी एक ईस्टर एग छुपा हुआ है कि स्टारफायर बोलती है कि यही पे तो शूट हुआ था ना एनिमेनियक्स। उसके बाद वो WB स्टूडियो के अंदर घुसते हैं, जहाँ पर जेड विल्सन उन्हें देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअल में इन सारी मूवीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, यानी वही ये सारी मूवीज डायरेक्ट करती है। फिर टीन टाइटन्स उनको अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं कि भाई हम ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है वो है, लेकिन फिर भी वो जेड विल्सन नहीं मानती है। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे ऊपर मूवी नहीं बनाऊंगी। और तब जेड ये भी कह देती है कि अगर तुम दुनिया में लास्ट सुपर हीरो टीम बची होगी तो भी मैं सोचूंगी कि फिल्म बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। इतना बोलने के बाद उनको स्टूडियो से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी रॉबिन के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। फिर रॉबिन टीम से कहता है कि हम पास्ट में जाएंगे और जितने भी सुपर हीरोज आए थे, यानी ओरिजिन उनकी जहाँ से वो आए, यानी सुपरमैन आया क्रिप्टॉन से तो वहाँ पे उसको रोक देंगे, वंडर वुमन आई तो उधर रोक देंगे, ऐसा कर करके हम सारे लोगों को रोक देंगे ताकि हमारी मूवी बन पाए। वो एक टाइम ट्रैवल वाली साइकिल मंगाते हैं, जिस पोर्टल से वो साइकिल आती है। फिर ये लोग बैठते हैं और सीधा टाइम ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले जाते हैं ये क्रिप्टॉन पे और सुपरमैन की मॉम डैड को समझाते हैं, वो प्लैनेट, वो ये जो क्रिप्टो है वो बचा लेते हैं, जिस वजह से सुपरमैन धरती पे कभी आता ही नहीं है। इधर ब्रूस वेन के माता पिता को मरने नहीं देते, वंडर वुमन से उसका लाजो स्प्राइट जो है वो छीन लेते हैं, एक्वामैन को वो स्टिक कर देते हैं एक रबर के अंदर, ऐसे करके ये टाइम में वापिस आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि हर जगह पे तबाही मची हुई है, जहाँ पर लेक्स लूथर भी कुछ सुन नहीं रहा है किसी की, और सब तरफ सिर्फ हल्ला गुल्ला ही सुनाई दे रहा है, जहाँ पर ये जो विलन्स है ये एक्चुअल में बहुत बड़े बन चुके हैं। अब ये देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि भाई हमने सुपर हीरो को तो चेंज किया लेकिन विलन्स तो वैसे ही रह गए, तो ये पूरा ब्लंडर जो था इसको सही करने के लिए फिर से ये टाइम ट्रैवल करते हैं, और जैसी सारी चीज़ें पहले हुई थी उसी वे में ये होने देते हैं। फिर ये लोग वापस आ जाते हैं करंट टाइमलाइन में, जहाँ पर वापस आने के बाद इनको फिर से सिग्नल आता है कि भाई स्लेड विल्सन जो है वो एक्चुअल में वेन टेक के अंदर घुस गया है, वो क्रिस्टल को पावराइज कर रहा है, ऐसा हमें पता चलता है। वी टीन टाइटन्स के मेंबर आते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हम देख सकते हैं, जिस लड़ाई के बीच में वो क्रिस्टल तो ले लेते हैं टीन टाइटन्स, लेकिन किसी तरह से डेड स्ट्रोक जो स्लेड विल्सन है वो इनके हाथ से छूट जाता है। डेड स्ट्रोक आगे जाके खुद बात करता है कि मुझे नहीं पता था कि भाई टीन टाइटन्स इतनी कमाल की टीम भी हो सकती है, जहाँ पर वो डिवाइड एंड रूल्स खेलना चालू कर देता है, यानी मैं हर एक टीम मेंबर को अलग अलग कर दूंगा, यानी रॉबिन से सारे टीम मेंबर्स अगर अलग हो गए तो मुझे इजीली मेरा काम करना अचीव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जेड इन लोगों को हॉलीवुड में बुलाती है और बोलती है कि तुम सुपर विलन डेथस्ट्रोक से लड़े थे तो तुम्हारे ऊपर अभी फिल्म बनाई जाएगी। इसके बीच में जब वो सारे लोगों की बातचीत कर रही है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पे ये होता है, वो होता है, जो कि ओवरव्यू दे रही है उस पूरे स्टूडियो का रॉबिन को, तो बाकी जो मेंबर है वो खुरापाती हरकतें करते हैं, इधर उधर जाते हैं, खाना खाते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, और विलन्स को भी मारते हैं, जो एक्चुअल विलन्स नहीं है वो डमी है, क्योंकि शूट चल रहा है तो वो डमी कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पर आ चुके हैं, तो उनको भी ये लोग नहीं छोड़ते, उनको भी मारना चालू कर देते हैं। तभी वो लोग डूम्सडे की मशीन देखते हैं, जिसको देखने के बाद उनको लगता है कि भाई ये तो सब कुछ ख़त्म करने के लिए ही बनाई गई होगी, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब सुपरमैन से उनका सामना होता है, तो क्रिप्टोनाइट से उसे भी वहाँ से भगा देते हैं, और तभी आ जाती है जेड विल्सन वहाँ पर। वो कहती है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए ये पूरी मशीन बनाई गई है, जिसका यूज़ मैं रॉबिन की मूवी के लिए फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ। और जेड अभी गुस्से से ये कहती है कि अभी जो मैं फिल्म बनाने वाली थी टाइटन्स के ऊपर वो नहीं बनाऊंगी। अब उसकी शर्त ये है कि मैं टाइटन्स के ऊपर तो मूवी नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ रॉबिन के ऊपर मूवी बनाऊंगी। अब टीन टाइटन्स की टीम बोलती है कि हमारा टीम मेंबर है ये अकेला मूवी नहीं करेगा, हमको लेके ही करेगा। तब रॉबिन पलटी खा लेता है, रॉबिन कहता है कि क्यों नहीं, मैं अकेला ही मूवी कर लूँगा। अब उसकी टीम अलग हो चुकी है और वो खुद की मूवी शूट करने चालू कर देता है। एक एक शॉट हम देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से पुट किया गया है एज अ रॉबिन मूवी के तौर पे। इसी के बीच उसको उसके दोस्तों की याद भी आने लगती है। अब बचा हुआ है लास्ट का सीन। फिर उसे एक शॉट मिल जाता है जिसमें उसको एक तिजोरी खोलनी है, जो कि एक्चुअल में टीन टाइटन्स का जो गेट है, जो कि सिक्योरिटी दरवाजा है, उसको ही खोलने का पासवर्ड उसे डालना होता है। उसी के पहले उसके ऊपर आ जाता है, गिर जाता है एक बड़ा सा लाइट, जिसके बाद जेड उसे उठाती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा, तुम सिंपल सा तुम्हारा जो कोड है वो डालो तो ये डोर खुल जाएगा और फिर यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाएगी। वो कोड डालता है और डोर खुल जाता है, कि और कोई नहीं दोस्तों, ये टाइटन टावर ही है जिसके अंदर एक्चुअल में वो क्रिस्टल छुपाया गया है, उसी सिक्योरिटी डोर का ये पासवर्ड था।
तभी जेड खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं जेड वेड नहीं हूँ, मैं वेड विल्सन यानी डेथ स्ट्रोक हूँ। तब ये रिवील हो जाता है। तभी वो रॉबिन को फंसा देता है और वहां से वो क्रिस्टल लेके भाग जाता है और वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी करता है, जिस वजह से ये पूरा टीन टाइटंस का टावर नीचे तहस महस होके गिर जाता है। तो तब वेड ये भी बोलता है कि मैंने इसलिए ये मूवीज बनाई क्योंकि यहाँ पर सुपर हीरो सारे बिजी हो जाए और मैं मेरा काम इजी वे में कर सकूं। जो कि ये भी बताता है कि जो डूम्स डे का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में ऐसा है कि मैं उसमें क्रिस्टल लगाऊंगा और जिस वजह से सारे लोगों का कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा, यानी वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाएंगे और फिर सिर्फ वेड की ही बातें करने लगेंगे और उसकी ही बातें सुनेंगे। रॉबिन वहां से बच निकलता है और रो रहा है अभी और अपने दोस्तों को पुकार रहा है, बुला रहा है, माफी मांग रहा है। तभी उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं क्योंकि डिसाइड करते हैं कि हम साथ मिलकर स्लेड यानी डेथस्ट्रोक को रोकेंगे। इधर अभी दूसरी तरफ देख रहे हैं जहाँ पर रॉबिन की मूवी का प्रीमियर चल रहा है, जहाँ पर जेड की नकाब उतार के ये जो टीन टाइटंस के मेंबर है ये सारे लोगों के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं कि ये जेड विल्सन है जो कि है डेथस्ट्रोक। और तभी वो बटन दबा देता है जिस वजह से वो जो उसका डूम्स डे वाला वेपन था वो एक्टिवेट हो जाता है और पूरे अर्थ पे एक वेव्स छोड़ देता है, जिस वजह से सारे सुपर हीरोज और जितने भी सारे लोग हैं जो उसके सामने आते हैं वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और तभी ये जो टीन टाइटन्स के मेंबर है ये छुप जाते हैं जिस वजह से ये हिप्नोटाइज नहीं होते और वहाँ पे बैठे हुए जितने भी सुपर हीरोज हैं वो टीन टाइटन्स से लड़ने के लिए वो लगा देता है। अब इधर टीन टाइटन्स के मेंबर भाग रहे हैं उनसे बचते बचाते हुए और वो जो क्रिस्टल लगा हुआ है उस डूम्डे मशीन को भी वो तबाह करने के लिए जा रहे हैं। इसी के बीच हम स्टैनली का एक और कैमियो देखते हैं। वो कहता है कि क्या हुआ, डीसी का मूवी है तो मैं मेरा कैमियो तो देख ही रहूंगा। अब ये लोग भाग रहे हैं वहाँ पर आगे जा रहे हैं, तभी रॉबिन देखता है कि सारे लोग तो अभी आ जाएंगे तो वो कैसे रोकेगा। तो रॉबिन कहता है इन लोगों को कि भाई तुम लोग आगे बढ़ो, मैं वो डूम्डे मशीन को रोकने के लिए जाता हूँ। तो रॉबिन अलग हो जाता है और ये लोग अलग हो जाते हैं। अब इधर रॉबिन उस डूम्डे मशीन को रोकने के लिए आया है जिसके सामने आ चुका है स्लेड यानी डेथस्ट्रोक। तो इन दोनों के बीच में अभी लड़ाई चालू होती है। इसी लड़ाई के बीच स्लेड विल्सन जो है वो एक्चुअल में रॉबिन के ऊपर कब्जा जमा लेता है यानी उसको हिप्नोटाइज कर लेता है और वो कहता है कि उसके जितने भी टीन टाइटन्स के दोस्त हैं उन लोगों को वो मार दे। लेकिन ये जो टाइटन्स है ये एक एक करके उसको याद दिला रहे हैं कि आखिरकार वो रॉबिन क्यों है। तब उसे ये भी कहते हैं कि तुम रियल हीरो हो, तुम ऐसा हो वैसा हो। और इसी के बीच में वो टेप भी चला देते हैं जो कि उन लोगों ने शूट की थी। बीच में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रॉबिन को वो मूवी दिखा रहे थे जहाँ पर रॉबिन बीच में ही उठ के बंद कर देता है उस मूवी को, वही मूवी आगे कंटिन्यू होती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि रॉबिन अच्छा है और ऊपर से वो सुपर हीरो है, बहुत सारे विलन्स को मारता है, पकड़ता है, भागता है, दौड़ता है, ये सारी बातें उसमें हूबहू दिखाई गई है, जिसको देखने के बाद रॉबिन वापिस आ जाता है। टीन टाइटंस डेथस्ट्रोक से लड़ना चालू करते हैं जहाँ पर डेथस्ट्रोक एक रोबोट में तब्दील हो जाता है और इन लोगों से लड़ भिड़ जाता है। और तभी टीन टाइटंस के मेंबर वो गाना लगा देते हैं टीन टाइटंस गो वाला, जिसके बीट्स के साथ वो स्लेड विल्सन को हराते जाते हैं और उसे मारते जाते हैं। तभी वो क्रिस्टल भी तोड़ देते हैं और फिर ये जो पूरे अर्थ पे जितने भी हिप्नोटाइज हुए लोग हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं और वहाँ पर अभी जितने भी ये सुपर हीरोज हैं जिसको रेवन ने एक्चुअल में एक अलग पोर्टल में रखा था वो भी वापस आ जाते हैं। और उसके बाद बैटमैन रॉबिन के लिए और टीन टाइटंस के मेंबर्स के लिए तालियां बजाता है। हम चारों तरफ देख सकते हैं कि टीन टाइटंस के मेंबर बीच में खड़े हैं और चारों तरफ सुपर हीरोज की टीम्स खड़ी है जो कि इन लोगों के लिए तालियां बजा रही है। और फिर मूवी यहां पर ख़त्म हो जाती है। फिर हम मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि टीन टाइटंस के जो पुराने मेंबर हैं यानी जो 2004-05 के टाइम पे एक कार्टून आता था टीन टाइटंस, वो लोग जो है वो वापस आना चाहते हैं, ऐसा कह के ये यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अभी तक आपने अगर ये मूवी नहीं देखा है तो जाके देख लो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपको ये मूवी कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, टीन टाइटंस की जितने भी मूवीज़ है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। चैनल पे भी अवेलेबल है डीसी एनिमेशन मूवी यूनिवर्स की पूरी प्लेलिस्ट ही है, जाके उसका मज़ा उठाओ और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मूवी कैसी है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कुछ चेंज चाहते हो या नहीं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। साथ ही साथ लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।